एक बीमारी होती है, बाइठा कहलाती है, यानी कि स्ट्रेन नस पे नस चढ़ जाती है। वो कभी कभी देखा ना, उंगलियां ऐसे ऐसे तिरछी की तिरछी रह गई, पैर में देखा आपने कि वो बैठा, क्या बैठा बोलते हैं उसको, क्रैम बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा फिर अगर एक्यूट प्रॉब्लम होने लगती है तो फिर साइड का, यानी कि वेस्ट लाइन से नीचे और घुटने तक, नीचे तक जाके जो पेन होता है, अनट्रॉलेबल पेन, ये बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, आपने देखे होंगे। यूरिनेशन प्रॉब्लम है, चाहे वो स्कैंटी यूरिनेशन है या एक्सेसिव यूरिनेशन है, यूरिनरी ट्रैक की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो परेशान होता है देखिए व्यक्ति, और फिर अपने अपने अकॉर्डिंगली इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, प्राकृतिक चिकित्सा करता है। कहते हैं कि अगर कुछ भी खाने के तुरंत बाद, एकदम से इमिजिएटली अगर यूरिनेशन के लिए जाता है आदमी, तो उसको किडनी की प्रॉब्लम, उसको यूरिनेशन प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती है ना, जनरली नहीं होती। और अगर हो जाए तो देखिए, ये तो भगवान की चीज़ है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मगर अगर इसके प्रिवेंशन लेता है, इसके प्रिकॉशंस लेता है, तो फिर आदमी, मैं समझता हूँ, कहीं कुछ ना कुछ राहत मिलती है उसको। देखते रहिए आप लोग गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाइए, है ना, उसके डीप में जाइए, डीप पेनिट्रेट कीजिए और फिर आनंद की अनुभूति लीजिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एक प्लेशर महसूस कीजिए, एक आनंद महसूस कीजिए, तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आपको लगेगा कि उससे कुछ बेनिफिट उठा रहे हैं। देखिए, अल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव थेरेपीज, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव चीज़ों में हाथों की मुद्राएं, यानी कि 10 उंगलियां हमारे हाथ की, 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, 5 तत्वों का प्रतीक है। ये माना गया है कि जब भी इनमें डिसबैलेंस हुआ तत्वों में, तब हमारे कुछ ना कुछ अराजकता होती है, चाहे शरीर में अराजकता हो, चाहे वो हमारे आसपास, हमारे हमारे परिवार में, हमारे इष्ट मित्रों में, हमारे दोस्तों में, यारों में, सारे यूनिवर्स में, तो वो अराजकता तत्वों का ही एक परिणाम है। वो उसकी उसकी डिसहारमोनी, उसमें इम्बैलेंस हुआ, कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करता है। देखिए, ये सबसे छोटी उंगली, मैं बार बार बताता हूँ आपको, ये जल तत्व का प्रतीक है, ये उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, हमारी रिंग फिंगर। मध्यमा उंगली हमारी, ये हमारी आकाश तत्व का प्रतीक है, ये हमारी तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर, ये हमारी वायु तत्व का प्रतीक है, और ये अंगूठा, ये दिखाने के भी काम आता है और बहुत चीज़ में काम आता है, मगर इससे सारा सपोर्ट लेके तत्वों को बैलेंस किया जाता है, ये बैलेंस करने के भी काम आता है। अगर मान लीजिए अंगूठा नहीं हो तो देखिए स्ट्रेंथ नहीं आएगी आदमी, तो इस अंगूठे से तत्वों को बैलेंस किया जाता है। ये अलग अलग तत्व जो होता है, जिस तत्व की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, उसको रिक्रूट किया जाता है अंगूठों के डिफरेंट जेस्चर बना के। ये मैं आपको वरुण मुद्रा बना बता रहा हूँ, जल मुद्रा बता रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनके, और इवन जो जो जल तत्व की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो जो जल तत्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, स्किन में ड्राइनेस देखेगा, स्किन में इरिटेशन देखेगा, डेंड्रफ, सर में खुजली, तो जल तत्व की कहीं ना कहीं कमी है, उसकी पूर्ति करने के लिए ये मुद्रा। सबसे छोटी उंगली, इसको टाइनी फिंगर बोलते हैं, कनिष्ठिका बोलते हैं, चिच्ची उंगली बोलते हैं, इसको बेबी फिंगर बोलते हैं, इसको ले लीजिए। ये हल्का सा इसका टिप और अंगूठे का टिप ऐसे मिला लीजिए, बस ऐसे, ये आपकी वरुण मुद्रा बन गई। रेस्ट उंगलियां आप सीधी कर लीजिए, किसी किसी की उंगलियां सीधी नहीं होंगी, जैसे विशेष रूप से जो जो ये रिंग फिंगर है, ये जनरली सीधी नहीं होती, तो जितनी सीधी हो, हल्की सी रहे, ये पॉस्चर तो बनेगा ना। सिमिलरली लेफ्ट हैंड में बना लीजिए, बस इस तरीके से, और फिर सांसों के आवागमन पे ध्यान कीजिए, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, और ये एक गति से आ रहा है, पेटों के आप उठने बैठने की गति आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं ये एक हारमोनी में, एक लयबद्धता में, जैसे एक रिदिम होती है ना गाने की, इस तरीके से ये सांसों का आवागमन और ये मुद्रा, बस इसमें बैठ जाइए। और बस जिस तरीके से, अगर मान लीजिए आपका एक हाथ बिजी है, आप लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं, तो ये बना के बैठ जाइए। इवन अगर आप सोते हैं, सोते बैठते उठते जागते, इसका सतत अभ्यास, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, स्पेशली यूरिनरी प्रॉब्लम और जो जल तत्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनके
इनके दोष को दूर करने के लिए ये आपकी वर्ण मुद्रा बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, बहुत ही अच्छी सिद्ध होगी। और फिर इसके बाद में मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, हर चीज़ के बाद में अगर मान लीजिए प्राण मुद्रा कर लेता है तो ये एक सप्लीमेंट्री, इसके साथ इसको ये बूस्टअप करेगी, एक कैटलिस्ट के तरह काम करेगी, इसको इसको और ज़्यादा आपको इससे अच्छा इफेक्ट मिलेगा अगर आप प्राण मुद्रा को भी इसके साथ साथ ऐड कर लेते हैं। प्राण मुद्रा बार बार बताता हूँ मैं, ये छोटी उंगली, ये रिंग फिंगर, इसको जोड़ लिया, ये प्राण मुद्रा बन गई। वो किया आधे घंटे, पौने घंटे, एक घंटे, समय का कोई बंधन नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मान लीजिए अगर आपका ध्यान लग गया, आपको लगने लगा कि आपका सांसों पे कंट्रोल हो रहा है इन मुद्राओं के साथ, निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट दिखाई देगा। दोस्तों छोटी सी चीज़, छोटी सी बात, मगर जब ये बड़ी लगने लगेगी, जब आप इसमें पेनिट्रेट करेंगे, जब इसके तत्व में जाएंगे, इस तत्व के तत्व ज्ञान में जब जाएंगे, तब अच्छा रहेगा। दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट बार बार कि गोपाला जी को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और भी अच्छा लगता है तो फॉरवर्ड करें। बस ये ध्यान है ना, आप बैठ जाए किसी भी पोस्चर में, बस ध्यान करें। आप देखें आपको कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।